तुम किरदार हो, कहानी तुम्हारी, देखोगे भी तुम बस कला हमारी। वाइब है, मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और सानू की एक नई स्टोरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो ये जा रही है हमारी माता श्री अपने मैत को, एंड वो है लैंसडाउन। सी ये बीआरओ, ये संतोषी माता पीक, एंड इसके पीछे है टुकुट्टा। दिलबर मेरे, जब तक मुझे ऐसे ही छड़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सो अभी मैं जा रहा हूँ गुमखाल, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद या जो मतलब चढ़ावा होता है वो लाना है गुमखाल से गुरु बाबा के। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 8, सो पहले उसको लेके आते हैं। ये पूरा घूम गांव, ये है गुरु बाबा का मंदिर, ये ठीक है। और हम रहे थे कल यहाँ पर, ये नानी के घर पे। और ये रास्ता जा रहा गुमखाल के लिए, और ये पूरी रोड जो जाती है ये ऋषिकेश, वहाँ समारोह है आज। ये समारोह घूम गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। ये है सिद्ध बाबा मंदिर, और ये डेडिकेट है शिव जी को। यहाँ भी जाएंगे आगे कभी। तो ये बात है 22 मार्च 2022 की, यानी कि होली के ठीक 5 दिन बाद, क्योंकि हर साल होली के 5 दिन बाद गुरु बाबा का ये फेस्ट होता है गुमगांव में। और मैंने आज तक ये फेस्ट देखा नहीं है, तो अंदर से एक चाह थी कि इस बार इसको देखना है। तो सोचा खुद तो देखूं, लेकिन आप लोगों को भी दिखाना है। बहुत सुंदर सजाया है इन्होंने मंदिर को। तो फिर बुलाया उस बंदे को जिसके साथ एक ट्रिप में बवाल मचा के आ रखे, यानी कि अनुराग शर्मा। भाई कितने बजे की टाइमिंग दी थी आपको? 9:30 और ये बंदा मेरे चैनल पे अपना कॉपीराइट मार के बैठा। चेहरा दिखता रहेगा, ये चेहरा अब दिखता रहेगा, चैनल ही मेरा है अब। इसका चेहरा नहीं दिखेगा पर मेरा जरूर दिखेगा। कट कट जस्ट रहेगा। वहाँ पे गांव का यूथ है, वो पूरियां बना रहे हैं, और ये जो बड़े लोग हैं गांव के सीनियर्स, वो नीचे भंडारी की सब्जी, चावल, खीर, और यहाँ पे जो है लेडीज़ लोग हैं रोटियाँ बना रही हैं। तो देख सकते हैं काम कितना इक्वली डिवाइड है सभी में। यही चीज़ बढ़िया लगती है गांव की चीज़ों में, कि गांव के लोग ना यूनाइट होते हैं। ये टीम वाइज चल रहा है क्या? अच्छा, घूम गांव से हो ना अभी आप भी? अच्छा, और गांव से भी आ रखे होंगे यहाँ पे लोग। सब्सक्राइब कर रखा है, शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला यूथ और एल्डर्स का, क्योंकि सब काम इतने सिस्टमैटिक वे से अरेंज किए गए थे कि सच में काबिले तारीफ थे। तो अब बारी आती है गुरु बाबा को झंडा फहराने की। तो ये दृश्य अपने आंखों से देख लो।
रस्सी, ये जो बांस है इसकी हेल्प से अब इस पर रस्सी बांध कर, जैसे कि लोग बांध रहे हैं, अब इन बांसों की हेल्प से गुरु बाबा का जो ये झंडा है इसको उतारा जाएगा। पहले लकड़ी पूरी नीचे आएगी, यानी गुरु बाबा पहले पूरे नीचे इनको लेटाया जाएगा, उसके बाद पे नया झंडा बांधा जाएगा और देन इनको फिर ऐसी इसी पोजीशन में खड़ा किया जाएगा। ये जितने भी कपड़े हैं जो अभी गुरु बाबा के झंडे से निकले गए, इन कपड़ों को लोग अपने घर ले जाते हैं मतलब आशीर्वाद के तौर पर, और ये जो नया झंडा है ये चढ़ रहा है अब। जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा। सुंदर कार्य प्रतिवर्ष चलता रहे। बढ़िया। गुरु बाबा घूम गांव और आसपास के गांव का एक गुरु को समर्पित धाम है। लोकल से कहना है कि बहुत पहले ये बाबा घूम गांव के नीचे रहा करते थे और बुरे वक्त में इन्होंने यहाँ की रक्षा भी की है। बाबा का इतना महान व्यक्तित्व देख पुराने समय में बाबा की मंदिर की स्थापना की गई जो कि आज घूम गांव के नीचे है। वक्त के साथ बाबा की मंदिर की स्थापना ऊपर हुई। गुरु बाबा की बहुत कृपा है घूम गांव पे। नए वस्त्र बाबा को पहनाने के बाद उनको उनके स्थान पर दोबारा स्थापित किया जाता है और इस तरह ये समारोह हर साल होता है। ऐसा है कि मेरा तो है व्रत और ये बंदे ले रहा मेरे मजे क्योंकि मेरा तो व्रत नहीं है ना, ये तो मजे लेगा। और पिछली बार भी ऐसी हुआ था, शिवरात्रि के दिन भी मंगलवार ही पड़ा था। हाँ, शिवरात्रि के दिन। वहाँ बैठ रखा हो? ओह, ये अनुराग बैठ रखा है यहाँ पे ये, और भंडारे के मजे ले रहा है। पर मेरा वास्ट है, लेकिन जो वाइब है मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। तो ये यात्रा तकदीर के साथ साथ तस्वीरों में भी कैद हो गई है। तो मिलता हूँ जल्द एक नए सफर में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।